तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी की परछाइयां है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। सभी दोस्तों को हमारा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आपकी पसंद के फिल्मी नगमे लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हमें मंजूर बट साहब ने कमेंट लिखा है यहाँ पे, और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई जान, और ये त्रिगाम संभल से हैं। इन्होंने गज़ल सुननी चाहिए जगजीत सिंह की आवाज़ में, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये गज़ल। और आप लिखते हैं कि आपके साथ और भी दोस्त हैं, ये हैं मसूद भट साहब, भट मंजूर, भट मुजफ़र, शौकत बशीर, नसीर शेख साहब, अदनान आदिल और जहूर साहब। याया भट साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद लोन साहब हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, उम्मीद है कि सभी सुनने वाले खैरत से होंगे। बिल्कुल, हमें भी अल्लाह से यही उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। और आपने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नौनहाल फिल्म से, हम आपको सुनवाते हैं। आप पार्ट नंबर 2 बांडीपुरा से हैं। खान आमिर साहब ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्राम लोलाब कुपवारा, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। मलिक जावेद साहब हैं हमारे मुस्तकिल सामिया, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। निसार साहब बड़े इंतज़ार में होते हैं, निसार साहब आज 5 मिनट देर प्रोग्राम से शुरू हुआ। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है, आज का जो प्रोग्राम है किसी वजह से 5 मिनट जो है वो लेट शुरू हुआ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है कि आप इस कदर हमारे प्रोग्राम को चाहते हैं। तो हम अब सबसे पहले जो है मंजूर भट्ट साहब के लिए पेश करते हैं उनकी पसंद की ये खूबसूरत सी गजल। तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा
चेहरा है आई दे जैसा, क्यों ना देखूं है देखने जैसा तेरा चेहरा है आई दे जैसा। दोस्तों, आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत अशआर सुने। आइए अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनते हैं। और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है वार्ड नंबर 2 प्लान बांडीपुरा से इरशाद लोन साहब ने। नवनिहाद फिल्म से ये नगमा है। और हमारे बाकी दोस्त यहाँ पे जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर लिखें, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। और बट अली हैं, ये हैं मेरे ख्याल में वार्ड नंबर 2 बांडीपुर से, ये भी हैं। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, आई एम बट अली मोहम्मद फ्राम प्लान बांडीपुरा वार्ड नंबर 2। टुडे आई वांट टू लिसन योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग फिल्म सौदागर। नगमे के बोल हैं, तेरा मेरा साथ रहे, और आवाज़ लता मंगेशकर की। हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का नगमा, आप बने रहें हमारे प्रोग्राम के साथ। तो अब जो नगमा हम सुनेंगे ये हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और सुनवाने के लिए हमें लिखा है इरशाद लोन साहब ने। Thank you.
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सुनते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आप अगर सीखना चाहें तो आप हर गलती से सबक सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो नगमा हम अब आपके लिए पेश करेंगे, यकीन मानिए अगर आप इस नगमे को बिल्कुल दिल से सुनेंगे तो यकीनन इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जिन्हें अगर हम अच्छी तरह से सोचे समझे तो शायद हम भी इससे सबक हासिल कर सकें। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें हमारे इनबॉक्स में लिखा है मीर तारिक साहब ने, और उन्होंने ये लिखा है कि वो ये नगमा जो है तमाम हमारे सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तारिक साहब कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इस बात के लिए भी शुक्रिया। और सोफी रूप साहब हैं, इन्होंने भी इस नगमे को सुनवाने के लिए कहा है, और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी ने हमसे कहा था कि हम ये नगमा उनके लिए पेश करें, तो हम आपके लिए आपकी पसंद का ये नगमा ज़रूर पेश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये मन्ना डे की आवाज़ में। और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, इनोसेंट एजाज साहब हैं, बशीर भट्ट साहब हैं, भट्ट जीशान साहब हैं, सज्जाद रेशी साहब हैं, और मीर नासिर साहब हैं, याया भट्ट साहब, आदिल रात्र साहब, शाह राज साहब और मुश्ताक साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो हमारे इस प्रोग्राम में बने रहें। और अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप करें, हम ज़रूर उनके लिए उनकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। फ़िलहाल हमारे दोस्तों के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी खोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी खोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के, हो गई मैं
ससुराल में आके भूल गई सब वचन बिदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग होरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। दोस्तों अपने मलाडे की आवाज़ में नगमा सुना। अय्यब हमारे जो दोस्त हैं यय्यब भट्ट साहब, ये प्लान बांडीपुरा से हैं, इन्होंने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इज्जत फिल्म से। हम आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाते हैं। आदिल रातर साहब हैं सोपोर से, इन्होंने भी नगमे की फरमाइश की है। यही शाह राज साहब हैं, ये लिखते हैं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, और ये नगमा जो है इसी नगमे के लिए यय्यब भट्ट साहब ने लिखा है। तो हम शाह साहब आपको भी ये नगमा पेश कर रहे हैं आपके लिए, आप भी सुनिएगा इस नगमे को। और मुश्ताक साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बहुत पसंद आया है आपका ये प्रोग्राम, आई एम फ्रॉम बांडीपुरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आलिया कुरेशी साहिबा लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भट्ट साहब लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम। और इम्तियाज सीर लिखते हैं तेरा मेरा, कुछ समझा नहीं मेरे दोस्त क्या लिख रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप। और मंजूर भट्ट साहब लिखते हैं कि वो भी अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे, आप बने रहें हमारे प्रोग्राम के साथ। मीर अतीब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, और ये हिंदवारा से हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। डार ताहिर साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। और साहिल डार साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, आप कैसे हो। साहिल भाई हम बिल्कुल अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक हैं, और अल्लाह से ये दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। और इरशाद दोन साहब लिखते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इस प्रोग्राम में जुड़ने का मौका मिले। और शेख निसार साहब हैं हमारे मुस्तकिल साहब में, ये भी इन्होंने नगमा सुनना चाहा है, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ये भी हमारे प्रोग्राम में बने रहें, कोशिश करेंगे कि आपको आपकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनवाएँ। सना जी लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। ठाकुर इशफाक हैं बारामुल्ला से, इनका हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो अब नगमा सुनते हैं, दो गाना है ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, सुनिएगा। जलता नहीं हम
क्या करें, तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। दोस्तों, आपने इज्जत फिल्म से दो गाना सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अजब नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है भट्ट जीशान ने। ये आंचार सोहरा से हमारे साथ जुड़ते हैं, और इन्होंने लिखा है कि इनके साथ और भी दोस्त हैं, ये हैं भट्ट जीशान, भट्ट अहमद, भट्ट शाहीना, भट्ट महराज। हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे, और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं ठाकुर इशफाक साहब और साहिल डार साहब। इन सब से मेरी गुजारिश है कि वो प्लीज़ हमारे जो नए नए इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं लिसनर्स, उनका खैर मकदम करें। और शाजिया खान साहब अभी आई हैं, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम। शाह तारिक अहमद हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और ये लिखते हैं कि आई एम दिस टाइम फ्रॉम सोनमर्ग एन्जॉइंग 7 feet फ्रीज लेयर ऑफ स्नो एंड एन्जॉइंग यूर शूटिंग वॉइस एंड मेलोडियस सॉन्ग्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ पर जाके भी हमें याद करते हैं और आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में सही नहीं होते। नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बाल मां तुझको
कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से। दोस्तों, आपने आरजू फिल्म से नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अजब नगमा सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है साहिल डार साहब ने, और ये लिखते हैं कि ये इस वक्त अब्दुर्रशीद मलिक साहब से ये नगमा उनके साथ सुनना चाहते हैं, और ये सोरा से हैं। हम आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाते हैं मेरे दोस्त। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, जैसे कि बशारत साहब हैं, बट जीशान साहब हैं, बाबा एजाज साहब हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ बने रहें। हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। फ़िलहाल जो हमारे साहिल डार साहब हैं, हम उनके लिए पेश करते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा। जब हो गया तुम पे ये दीवाना।
دوستو آپ نے لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ سنا، عجب ایک کشمیری نغمہ سنتے ہیں، اور اس نغمے کو سنوانے کے لیے ہمارے دوست، ہمارے جو بالکل ہمارے بغل میں رہتے ہیں، یہ ہیں یاسر بٹ صاحب، اور ہم آپ کے لیے یاسر بھائی آپ کی پسند کا یہ کشمیری نغمہ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں نوب فہمی صاحب ہیں اور شازیہ خان صاحبہ ہیں، ٹھاکر اشفاق صاحب ہیں، ملک جاوید صاحب ہیں، اور بشارت حاجی صاحب ہیں، ہمارے نئے لسنر ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور ارشاد لون صاحب بھی ہیں ہمارے مستقل سامعین۔ بٹ اعجاز صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم انجم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ جو ہمارے نئے نئے یہاں پہ لسنر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا خیر مقدم کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ اپنی پسند کا کوئی نغمہ یہاں پہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمارا جو دیا گیا فارمیٹ ہے اسے فالو کریں، کیونکہ اسے اگر آپ فالو کریں گے تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے آپ کی پسند کے نغمے یہاں پہ پیش کرنے میں۔ فی الحال ہمارے دوست کے لیے ان کی پسند کا یہ کشمیری نغمہ۔ تم کس حال شکن کرنا شب نم کیوں قطروں سے
दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी नगमा सुना। अजब नगमा सुनते हैं हमारे जो दोस्त हैं, हमारे नए जो आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में वो शरीक हो रहे हैं, बशारत हाजी साहब, इनके लिए नगमा पेश करते हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहें, और अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम ज़रूर उनके लिए उनकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। मलिक जावेद साहब जो हैं ये लिखते हैं कि हम इनकी तरफ से तमाम सुनने वालों के लिए एक नगमा जो है वो डेडिकेट करें। आप बने रहें जावेद साहब हमारे साथ, हम आपकी जो ये फरमाइश है ज़रूर पूरी करेंगे। फ़िलहाल बशारत साहब के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों आइए अब लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनते हैं, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है अली भट्ट साहब ने।
वार्ड नंबर 2 से हैं ये, कभी कभार हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है सौदागर फिल्म से, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। और मलिक जावेद साहब जो हैं, जिन्होंने ये लिखा था कि हम उनके जो यहाँ पे सुनने वाले जो हमारे हैं उनके लिए कोई नगमा डेडिकेट करें, तो मैं अपनी तरफ से ये नगमा जो है आप सभी जो सुनने वाले हैं मलिक जावेद की तरफ से डेडिकेट करना चाहूँगा। और साथ ही भट्ट साहब के लिए ये नगमा पेश करेंगे हम। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं ये हैं मुदस्सिर रसूल साहब, इरशाद लोन साहब, भट्ट एजाज साहब, एस प्लेक आए हैं यहाँ पे, और मोहम्मद जीशान साहब हैं, आसिफ हुसैन साहब हैं, शेख निसार साहब हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में बने रहें, कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो पसंदीदा नगमे हैं वो हम सब यहाँ पे आपके लिए पेश करें। फिलहाल आप सभी के लिए पेश करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सौदागर फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा। Thank you.
दोस्तों आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुना सौदागर फिल्म सी। और आलिया कुरैशी साहब लिखती हैं, सर मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, और आलिया जी से हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से हमने उनकी फरमाइश जो यहाँ पे है पूरी नहीं की। और असल में फॉर्मेट से ये होता है कि हमें आपकी पसंद का जो नगमा है उसे यहाँ पे पेश करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं। और अब जो हमारे दोस्त हैं ये हैं मुदस्सिर रसूल साहब, इन्होंने गज़ल की फरमाइश की है और ये लिखते हैं कि बिल्कुल 13 दिनों से ये वेट कर रहे हैं अपनी पसंद की ये गज़ल सुनने के लिए। लिखते हैं, सर जी हाई अप्रोच वालों की सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। मुदस्सिर रसूल भाई, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, बल्कि यकीन मानिए हमें बड़ी खुशी हासिल होती है जब आप जैसे हमारे लिसनर जो हैं हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। हम आपके लिए आपकी पसंद का जो ये गज़ल है आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जो अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, बल्कि बार बार हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप हमारा जो दिया गया फॉर्मेट है उसे फॉलो करें, ताकि हम आपको आपकी पसंद का नगमा जो है यहाँ पे सुनवा सकें। आपके लिए पेश करते हैं आपकी पसंद की ये खूबसूरत सी गज़ल। Yeah.
दोस्तों आपने गुलाम अली की आवाज में बहुत ही खूबसूरत अशआर सुने, और आइए अब नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है हमारे दोस्त, आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में ये शामिल हो रहे हैं, इनका नाम है सैम आर। हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा इस बार पेश तो करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगली बार जब आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे सुनना चाहें तो आप भी प्लीज़ हमारा फॉर्मेट जो है वो फॉलो करें। और आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश कर रहे हैं। और बाकी जो दोस्त यहाँ पे हैं मेरे, जो अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं और किसी वजह से उनकी पसंद का नगमा आज हम उनको नहीं सुनवा पा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आज ये नगमा हमारी तरफ से सुनें, कल हम उनके लिए उनकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। और कहते हैं कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। कैसे? प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। तो मेरे दोस्तों, आप भी ज़रा सा बर्दाश्त करें, कल हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। मुदस्सिर रसूल साहब, मीर असलम साहब, बट जीशान साहब, एस ब्लेक साहब, आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करें, कल हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। और अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। आप नगमा सुनिए और अपने दोस्त अंजुम निसार को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। Bye.
जा गली